कर रहे हैं, शूटिंग चल रहा है आपकी फिल्म का, क्या किरदार निभा रहे बताइए सर। सर मेरा नाम विजय विश्वकर्मा है और फिर जैसे मेरे को एक सोच में रोल मिला है उसमें क्या कहना चाहेंगे फिल्म के कलाकारों के बारे में, फिल्म के कहानी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कहानी अच्छी है, उसमें जैसे शाशा होती है उसका किसी बीएफ होता है तो फिर वो बीएफ के चक्कर में वो बहुत कुछ एकदम एक्सपीरियंस हो जाता है उसको कि मैं जान दे रही हूँ, अपना हाथ काट रही हूँ, मर जा रही हूँ। तो फिर ये अली सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं? अली सर को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनके वजह से मेरे को एक फिल्म में एक सोच में रोल मिला है। थैंक यू अली सर। मैम आपको क्या कहना चाहेंगे आज आपकी फिल्म? मैं भी वही बोलना चाहती हूँ, आज अली सर के वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे और हमको विश्वास है कि जो काम देंगे तो हम अच्छे से निभा पाऊँगी या निभाऊँगी। और क्या बोलूँ, इनका लाख लाख शुक्र है। इनको तो हम लोग इसके काबिल नहीं थे लेकिन फिर भी सर बुला लिए हम लोग, जो भी रोल देंगे वो अच्छे से हम लोग निभा सकें। तो रोल के बारे में बताया आपको? नहीं, रोल के बारे में अभी तो नहीं बताए क्या दिए हैं। क्या लगता है क्या किरदार निभाने वाली आपको? अरे सबको सब कुछ बताया ही नहीं तो क्या अंदाजी बताऊँ, अभी कुछ बताए नहीं है ना। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आज आपकी फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्या किरदार निभा रहे हैं उसके बारे में बताइए। मेरा नाम मनीष मोजीवाल है और ये इस मूवी में मेरा कैरेक्टर है जो शाशा है, उसका बीएफ का मेरा कैरेक्टर है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? आज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मैं अली सर के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा और आगे भी ऐसे काम करते रहे अली सर के साथ और 100%। मैम अपना नाम बताइए। प्रियंका ढोके मेरा नाम है और मेरा कृतिका डायलॉग से अच्छा लग रहा है। अपने फिल्मी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे, इसके पहले आपने क्या कुछ किया, क्या सोच के साथ कदम रख रही है इंडस्ट्री में? मतलब मैंने पहले बहुत पहले मतलब ऐसा एक बार मैंने किया था शूट में का, पर अभी मेरे को सर से मतलब ऐसा मिला है। अली सर इतना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? हम थैंक यू करना चाहेंगे अली सर का कि उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और हमको काम करने का मौका मिला इसीलिए। इसके अलावा आगे कुछ कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल तो कुछ शूट कर। माय नेम इज दीपाली पंचाल। दीपाली जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो शूट चल रही है आपकी फिल्म की, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के किरदार के बारे में, कितना एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए? मैं इस फिल्म के लिए थी बहुत एक्साइटेड टू पहली बार तो, और मुझे सर ने तो बहुत हेल्प किया है। बीएस अली खान मेरे डायरेक्टर हैं, मुझे ट्रेंड भी करते अच्छे से, सिखाते भी हैं, कुछ गलत होता है वो भी मतलब रिपेयर करके भी बता देते मुझे हमेशा। तो आज क्या रोल था आपका? आज मेरा शशा का रोल था। सीक्वेंस क्या चल रहा था? काफ़ी शूट के दौरान काफ़ी खून बहा है। एक्चुअली ये शूट को लेके कैसा है ना, एक पब्लिक सिटी होता है, ओके okay, मतलब आजकल ब्रेकअप भी हो जाता है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, ओके okay? तो ये सुसाइड बचना चाहिए पब्लिक सिटी में, मतलब खुद पॉजिटिव कैसे रहना है उस चीज़ से सीखने मिल जाएगा। आपके अगल बगल में छोटे छोटे कलाकार हैं, उनके साथ काम करने का कितना एंजॉय किया आपने और कुछ परेशानी हुई उनके साथ काम करने में? परेशानी तो बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने हैप्पी इंजॉय किया है। इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है इनका फ्यूचर? इनका फ्यूचर तो बहुत ही आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आपके फिल्मी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, आपने क्या कुछ किया है और आने वाले समय में क्या कुछ कर रही हैं, कुछ बताना चाहेंगे? ये मेरा फर्स्ट लीड है यहाँ पे जो मैं किरदार निभा रही हूँ अपनी, और आगे भी बहुत मेहनत करूँगी। आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ कर रहे हैं आज के फिल्म के शूट में? जोर से बोलते ना, जोर से। आपका नाम बताओ? वहाँ पे देखो क्या शूट कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है आज को आपको शूट कर रही है दोनों? बहुत मजा आया। अली सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलो आप बताइए, अपना नाम बताइए और क्या शूट कर रहे हैं? मेरा नाम नीलम बालू कदम है और अली सर ने मेरे को ना ये चांस दिया तो मैं पक्का मतलब बहुत अच्छा काम करूँगी, उनको बहुत थैंक यू और सपने मैम को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप कुछ बताना चाहोगी? अपना नाम बताइए। आज आप शूट कर रहे हो फिल्म की तो डांट उठ सुन रहे हो कि नहीं? नहीं, इधर देखो, इधर देखो। मजा आ रहा है शूट के दौरान? अली सर के बारे में कुछ कहना चाहोगी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
चलिए और ज़्यादा। अली सर एक सोच के साथ एक सोच बना रहे, क्या सोच है, कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ये फेस्टिवल के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है वो ये है कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं प्यार मोहब्बत में, जान दे देते हैं, तो वो जान क्यों देते हैं? उनको वो काम नहीं करना चाहिए। उनके पीछे बैकग्राउंड है जो कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी रह जाते हैं, छोटे छोटे बहन भाई भी रह जाते हैं, तो उनको जिंदा रह के उनको संभालना चाहिए, ना कि सुसाइड करना चाहिए। तो फेस्टिवल के लिए क्यों बना रहे हैं? इसके लिए आप OTT पे भी ला सकते हैं। OTT पे तो वेब सीरीज आती है, फेस्टिवल में जो चीज़ जाती है तो वो कुछ एक अलग मज़ा है उसका, नहीं समझा? और बाकी OTT के लिए मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, घर संसार है, साइको लेडी है, और कई सारी हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस में है। 1 तारीख से बहुत सारे शूट स्टार्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह। कलाकारों के बारे में जानना चाहेंगे, आप हमेशा नए कलाकारों को, नए युवाओं को चांस देते हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कलाकारों? देखिए मेरा काम है नए युवा को थोड़ा बहुत जैसा भी सिखा सकूँ कि उसको एक प्लेटफॉर्म देना है ना। कुछ युवा होते हैं कि प्लेटफॉर्म ले जाने के बाद भी, सीखने के बाद कहीं और भी काम करते हैं, लेकिन हमको फिर बुरा बोलते हैं, ये नहीं उनको मालूम किसको कहाँ से मिला, उनको सीढ़ी कहाँ से मिली, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज क्या सीक्वेंस चल रहा है सर, कितने दिन का शूट है आज, कुछ बताना चाहिए? ये वनडे का है, खत्म हो गया। किस फेस्टिवल के लिए बना रहे सर? गोवा फेस्टिवल, पुणे फेस्टिवल, मुंबई फेस्टिवल, जहाँ जहाँ जो जो फेस्टिवल है सब जगह मैं इसको डालूंगा। सर आप बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में, आप काम कर रहे कलाकार, नए नए कलाकारों के साथ कितनी मुश्किलें आई, कुछ नए कलाकारों को जुड़ने के बाद में सर उनको अच्छा अच्छा ट्रेंड करना बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन वो मुश्किलों से हम पार कर लें, क्योंकि हमारे पुण्य वही है कि अच्छे कलाकारों को अच्छा शिक्षा देके अच्छा प्लेटफॉर्म देना, ये हमारा काम है। अब हम पूरी तरीके से अच्छे करेंगे और अच्छे प्लेटफॉर्म दे देंगे। अरे सर अभी आपने कहा कि आप एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं घर संसार, जी वेब सीरीज़ के दौरान वेब सीरीज़ को लेकर लोग अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं, लेकिन आपने जो आपके फिल्म के टाइटल वेब सीरीज़ के टाइटल के से लगता है कि इसमें अश्लील नहीं होगा घर संसार? बिल्कुल अश्लील नहीं होगा, एक परिवारवाद होगा और एक परिवार फैमिली की कहानी होगी, बट लेकिन मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस थ्रिलर। कलाकारों के बारे में बताना चाहेंगे? कलाकार उसमें सब नहीं रहेंगे, कास्टिंग ऑलरेडी किसी की लॉक हो चुकी है, किसी की लॉक हो रही है, मैं भी कुछ नहीं बता सकता।